सब खाना पीना कंप्लीट है, इधर रोटी भी कंप्लीट है, इधर अंडा भी। और ये अंडा जो है ना देसी मुर्गी का है ना, गांव में जो मुर्गी रहता है ना उसी का अंडा खरीद के लाए हैं और एकदम देसी टाइप से बनाए हैं और अभी निकाल देंगे दीदी। हेलो दोस्तों, दिलीप सोनी ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ अभी देख सकते हैं पापा और हम अभी बगान में आए हैं और थोड़ा सा इधर धूप भी लग रहा है ना पापा, है ना, और सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अभी इधर धूप खा लें। और देखिए हम लोग का बगान में अभी, और अभी सोच रहे हैं कि एक दो अमरुद तोड़ेंगे और नाश्ता में अमरुद खाया जाए ना पापा। हाँ, अमरुद खाते हैं आप? खाते हैं। सकते हैं? दांत है? नहीं दांत नहीं है, सक जाते हैं, जाते हैं। वैसे पापा सक जाते हैं खाने के लिए, है ना। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं घर में क्या क्या बना है, पहले चलिए घर चलते हैं। काहे कि हम लोग का एक दो घंटा से यहीं धूप में हम लोग घूम रहे थे। तो चलिए अभी हम लोग रूम में देखते हैं, हर एक अमरूद तोड़ के लेते जाते हैं जो कटवाएंगे। इसको पकड़िए तो पापा, इसको इसको नहीं तोड़िएगा, पकड़ के रखिए, रुकिए उसको मत तोड़िएगा, रख के रखिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए आप, छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए। हाँ तो दोस्तों यहाँ देखिए तोड़ लिए अमरूद हम, एक अमरूद काफ़ी है, फिर बाद में तोड़ लेंगे, काहे कि किशन के लिए भी लेके जाना है, नहीं तो पूरा किशन एकदम हमको गुस्सा आ जाएगा। तो चलिए अभी घर में चल के नाश्ता भी करते हैं और अमरूद भी खाते हैं, काफ़ी टेस्टी है। तो दोस्तों यहाँ माँ साग धोने आई है, काहे कि नल का पानी है ना गरम रहता है, इसलिए यहीं धोने आई है। दीजिए हम चला दे रहे हैं, तो इधर पानी हम चला दे रहे हैं, माँ उधर धो रही है। तो दोस्तों एक बाल्टी पानी भी लेते जा रहे हैं, गर्म पानी है, बोरिंग वाला पानी तो है हम लोग का, देखिए यहाँ पाइप, लेकिन उसे थोड़ा ठंडा पानी आता है, इसमें गर्म रहता है, इसलिए लेके आ रहे हैं। देखिए तो दीदी इधर नाश्ता भी बना रही है, देखिए पूरी बन रहा है, और इधर शिवम आज कुछ काम भी कर रहा है। क्या शिवम? हाँ यहाँ क्या बना रहा है तुम? पूड़ी बना रहे हैं, पूड़ी और पकौड़ी बना रहा है। और शिवानी इधर तुम्हारा क्या काम है? कुछ नहीं, खाने का काम है ना। इंतजार कर रही है। तो दोस्तों अभी हम लोग नाश्ता करने बैठ चुके हैं पापा और हम, और यहाँ देख सकते हैं हम लोग का फर्स्ट क्लास पूड़ी बना है, बीन्स का सब्जी, पकौड़ी और इधर सलाद है, और अभी पापा और हम दोनों खाते हैं। क्या पापा, चलिए खाने शुरू कीजिए। और काफी एकदम कुरकुरे बनाया है शिवम, ये रहा। तो दोस्तों आप लोग भी खाइए, ये रहा, हम भी खा के बताते हैं कैसा। ठीक है पापा, अच्छा लगा? ठीक है, सब्जी भी आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं पापा दाढ़ी नहीं बना सकते हैं, तो जब भी हम आते हैं तब बना देते हो, इसे नहीं आता है यहाँ पर, लेकिन अभी हम आए हैं तो बना दे रहे हैं और अच्छा से बना भी देते हैं हम ना पापा। ये रहा, कहे कि अभी आप इनको दिखता भी नहीं है ना आँख से, और थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना पापा, और नाई डेली तो आते नहीं है, थोड़ा यहाँ गांव है तो इस टाइप से इनका हम दाढ़ी बना देते हैं। ये रहा। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हम लोग का यहाँ मिक्सी अभी लाइन नहीं है, तो इसी का काम चल रहा है। देखिए अरे धनिया पत्ता टमाटर लहसुन का चटनी बन रहा है, मस्त लगेगा क्या। तो दोस्तों अभी खाना पीना खाने के बाद फिर से हम जा रहे हैं सिसई, और अभी रास्ता में हैं, तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर से और देखते हैं क्या क्या काम होता है मेरा, कहे कि रोज जा रहे हैं और आ रहे हैं बड़ी। अभी सब कोई चल जा रहा है पिकनिक, तो कहाँ चल जा रहा है सब आता ही नहीं है, देखते हैं क्या होता है आज। तो दोस्तों अभी नाजिर साहब जो हम ब्लॉक में ढूंढ रहे थे यहाँ है, जो इनके चलते भाग दौड़ हमको ज्यादा करना पड़ा, लेकिन अभी मिले हैं आप, और जो भी काम जहाँ जहाँ करना था वो हो चुका है और कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बोलना चाहते हैं? इनसे भी लगभग
बहुत दिन हो ही गया था मिला हुआ, और ये भी अपना अभी निकल रहे कहीं काम से, तो ज्यादा देर नहीं रोकते हैं। काम हो जाएगा, नाम में काम हो जाएगा। अच्छा, इसका नाम से हो जाएगा काम मेरा ब्लॉक में, फिर मिलते हैं इसके बाद में। तो दोस्तों, काफी झंझट होने के बाद में हमको हो गया काम, और अभी हम रात हुआ तब आ रहे हैं। देखिए, सारा पेपर मेरा कंप्लीट हो गया है ना। और यहाँ देखिए, आते के साथ में आग लगा हुआ है यहाँ, इसलिए कि सब ठंडा ज्यादा पड़ गया ना, इसलिए सब सिका रहा है। और इधर दीदी देखिए, रोटी भी सान रही है कि नहीं। यहाँ पर एक ही उपाय है, यहाँ तो ज्यादा लाइन कट जाता है ना, तो हम लोग आगे जला के तपाते हैं। तो चलिए अभी तपाएंगे, फिर अभी हम लोग कुछ बनाएंगे भी। रोटी क्या? अंडा रोटी बनाएंगे। अंडा ना, तो अभी दीदी अंडा बनाएगी, अभी हम अंडा लेते आए हैं। और खासकर हम चिकन मटन अंडा जो अभी यहाँ चल रहा है ना, पापा के चलते इनको बहुत खाने का मन करता है ना, है कि नहीं। ठंडा में अंडा भी खिलाते हैं, ठंडा में अंडा खाने से थोड़ा ठीक रहता है। तो चलिए अभी बनाएंगे। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं हम लोग का मसाला लगभग कंप्लीट हो गया है। हम लोग अंडा बना रहे हैं, अंडा करी बनाएंगे और पापा को खिलाएंगे। और ये रहा देखिए, अंडा फ्राई कर लिए हैं, और अभी माँ और हम दोनों मिल के बना रहे हैं, है ना। और इसलिए इधर बना रहे हैं ना कि आग भी तपाती है माँ, तो यहीं पर बनाते रहती है ना माँ। यहाँ देखिए आप, इसको लगभग कंप्लीट हो ही गया है, देखिए ये रहा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं लगभग ये कंप्लीट हो चुका है, ये रहा। अब इसमें हम लोग पानी डालेंगे, फिर अंडा डाल देंगे। ये आलू है और मसाला है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए पानी डाल दिए थे और खोल गया। और यहाँ देखिए सब अंडा को भी अभी हम डाल दिए हैं, है ना, ये रहा। और ये थोड़ा सा सूख जाएगा, इसलिए ज्यादा पानी डाले हैं ना, कि इसका तरी है जो अंडा का अंदर में घुस जाएगा, है ना, ये रहा। तो कंप्लीट हो जाएगा आप ना माँ, ये रहा। तो ये हम लोग का गाँव देहात में इसी बनाते है। ये सरसों का पीसा हुआ है, तो इसको भी डाल दिए, थोड़ा ज्यादा अच्छा टेस्ट लाएगा। ये देखिए दोस्तों, पूरा मस्त एकदम अंडा लग रहा है। और सामने से देखा, ये रहा मस्त। तब हम लोग का अंडा कढ़ी तो हो गया कंप्लीट माँ? हाँ हो गया। हाँ हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है, अब खाने का तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी, अब क्या बनाना है? अभी तो सब बन चुका ये है। उतार दे, कपड़ा नहीं है उधर पीछे तरफ है। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ये रहा। तो चलिए इसको उतार देते हैं अब हम लोग। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं हम लोग का सब खाना पीना कंप्लीट है। इधर रोटी भी कंप्लीट है, इधर अंडा भी। और ये अंडा जो है ना, देसी मुर्गी का है ना। गांव में जो मुर्गी रहता है ना, उसी का अंडा खरीद के लाए हैं, और एकदम देसी टाइप से बनाए हैं। और अभी निकाल रही है दीदी, दीदी इधर निकाल रही है अंडा, है ना। और चलते हैं हम लोग भी खाना खाने के लिए। सबको रोटी और अंडा खिलाएंगे आज, मम्मी पापा को भी। चल, तो इधर रोटी लगा दिए, काहे कि मम्मी पापा रात में रोटी ही खाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग का सबका खाना यहाँ देखिए लग चुका है, और पूरा परिवार हम लोग बैठ के अभी खाएंगे का ऊपर। हाँ। और खाने का मजा, काहे कि मम्मी पापा का फरमाइश था अंडा खाने का। हाँ, तो मेरा बेटा ही ला के बनाया है। तो मम्मी पापा को खिला रहे हैं अभी अंडा। और चलिए खा के बताइए माँ कैसा लग रहा है। खाइए पापा, ठंडा हो जाएगा। कैसा लगा? बहुत मस्त बना है, है? बहुत मस्त। देसी चूल्हा, देसी अंडा और देसी जुगाड़ से बनाए हैं। चलिए दोस्तों, सबको हम लोग खाते हैं। तो दोस्तों, अभी खाना पीना खा लिए और जा रहे हैं आप सोने के लिए। और दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करना ना भूले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।